a flower for you. Thank you. Welcome. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे हाँ? Okay. Bye. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. मैम यू आर सो कूल. यस मैम. थैंक यू. बाय 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 मैम. बाय. मैडम. हाँ बेटा. आप मुझे जलेबी बनाना सिखा सकती हैं? जलेबी? हाँ सिखाऊंगी ना. तुम्हें जलेबी पसंद है? नहीं. फिर? मेरी मम्मी को कैंसर है. मैं उनके लिए जलेबी बनाना चाहती हूँ. अगली क्लास में सिखाऊंगी. हाँ पक्का प्रॉमिस. हाँ थैंक यू. एक कान्हा जी, इस बच्ची और उसकी माँ का ध्यान रखना हो. मैम, प्रिंसिपल मैम ने आपको बुलाया है. कान्हा जी, मारा पन ध्यान रखे. पता नहीं प्रिंसिपल मैडम कितना गुस्सा है. काव्या तुम कहां पे हो? तब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं. Why don't you pick up the phone? Don't worry, म्यूट पे है. वो म्यूट पर है लेकिन दरवाजा तो खुला है. सब सुन सकते हैं हमारी बात. और ये क्या है वीर, तुमने मुझे 8 बार फोन किया है? What's wrong with you? जब भी मैं अनिरुद्ध के साथ जाती हूँ तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारा कोई कॉलेज या दोस्त नहीं है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड है. जिससे मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ. वहाँ मैं अनिरुद्ध के साथ अकेले मिलने नहीं गई थी. मेरा लॉयर था, उसका लॉयर था. अरे तो यही बात तो मुझे फोन उठा के बता सकती थी ना. और तुम 8 बार मुझे फोन करने के बजाय मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्या? मैं कुछ नहीं जानता. मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया. 6 जनवरी मैं बुरा सपना देकर उठी थी और मैंने तुम्हें फोन किया था. मगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपने बच्चों के साथ थे. लास्ट सितंबर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें कम से कम 10 बार फोन किया मगर तुमने मेरा एक फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपनी फैमिली के साथ डांडिया खेलने गए थे. भी ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 1000 बार हुआ है कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया. क्योंकि कभी तुम अपने बच्चों के साथ होते हो, कभी अपनी बीवी के साथ होते हो, कभी अपनी फैमिली के साथ होते हो. तो अगर एक बार मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ थी और अगर तुम्हारा फोन नहीं ले पाई तो लर्न टू डील विद इट. आई नो काव्या, तुम ठीक कह रही हो. I'm sorry. पर क्या करूं, जब भी तुम उससे मिलने जाती हो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं. वी, मैं कई महीनों में एक बार अनिरुद्ध से मिलने जाती हूँ, तुम्हारा ये हाल हो जाता है. तुम दिन रात अनुपमा के साथ रहते हो. कभी सोचा है मैं कितनी इनसिक्योर होती होंगी? अब और लड़ाई करनी है? नहीं. कॉफी? चलो तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलते हैं. चलो. लेट्स गो. दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या है? फैंटास्टिक. हेलो. या ओके. थैंक यू. क्या हुआ अभी? दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 20% इंक्रीमेंट मिल गया. ओह माय गॉड वी, यू डिजर्व इट. थैंक यू. अच्छा अब तो एक लंबा ब्रेक बनता है ना कॉफी के लिए. घर चले? यस. कम इन. मैडम आपने बुलाया? हाँ आइए मिसेस शाह, बैठिए. जी मैडम. बर्गर सिर्फ बच्चों के लिए था? हाँ? मुझे नहीं मिलेगा?
वो मैं ले क्या शाह, आपने आज जिस तरह बच्चों को हैंडल किया ना, आज तक उन्हें कोई भी ऐसे हैंडल नहीं कर पाया। रियली आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सचमुच बहुत लकी है कि उन्हें आप मिली है। वैसे सच कहूं तो आज जब लेट आई तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरा आपको जॉब देने का डिसीजन सही था या नहीं, बट देन यू प्रूव्ड इट। आपने साबित कर दिया कि एक माँ से अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता, और आपके तो नाम में ही माँ है, अनुपमा। ये लीजिए आपकी एडवांस सैलरी। पहली कमाई। लेकिन अगली क्लास में टाइम पे आइएगा। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। मेरी अब देखना। ये आगे मेरे छे। अरे अभी तो मैंने डाइस रोल किया, मेरे आए छे। हाँ मैंने रिमेम्बर छे। हे तो फनी छोकरी। हाय मामी। मीनू पा। मिल गई फुर्सत घर आने की? तेरी मीनू ने तो मुझे परेशान कर दिया। पहले सोने नहीं दिया और फिर रसोड़े में जाके कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ दिया? मीनू चोट तो नहीं लगे ना बेटा? उसे कुछ नहीं हुआ, मुझे पूछ, मुझे लगा हाथ कट गया मेरा। अरे दीदी थोड़ा भगवान से तो डरो। अरे हाथ तो कटे थे शोले फिल्म में ठाकुर के, आपको तो छोटी सी खरोच चाहिए। वो भी इतनी सी। चुप, तुझे कुछ याद नहीं? बाटली भर के खून निकला था। हाँ, देख कितना उंडा घाव लगा है। ए दीदी इससे ज्यादा क्लियरली तो है ना मन की लगी चोट दिखाई देती है। बस आ, बस चुप रहने। वाह बच्ची है बेचारी, बस पड़ी, मैं उसे समझा दूंगी। मेरी बेटी ने तो उसकी बेटी को ना मेरे वाले ही संस्कार दिए, ये तो तेरे साथ रह रहे के बिगड़ गई है। मीनू अब मुझे गुस्सा आने वाला है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मम्मी। टोली बहन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? तेरी वजह से। भाभी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। अरे देखो ये तो धापा धापी होगी, इसने उसको कहा, उसने इसको कहा, लड़ो और क्या। मीनू बेटा अंदर जाके खेलो। हाँ ओके मम्मी। टोली बहन तुम्हें बेसोने पानी पियो। पानी ना आप इनको पिलाओ भाभी। पानी इसे पिला जो अपनी माँ पर गुस्सा करने आई है। मेरी बात हुई बापूजी से, बताया उन्होंने मुझे कैसे आप मीनू से बच्चों की तरह लड़ रही थी। अच्छा तो तेरे बापूजी ने ये नहीं बताया कि तेरी बेटी की जुबान कैसे कातर की तरह कचकट 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 चलती है? कल से तेरी बेटी को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ये तेरी बेटी क्या लगा रखा है, आपकी कुछ नहीं लगती वो? हाँ लगती है, मैं उसकी नानी हूँ, आया नहीं हूँ। एक भाभी है जिन्होंने इतने दिन तक मीनू को संभाला, उसे चोट आई, उसे बुखार लगा, उसने शैतानी की, पर मुझे एक बार फोन कॉल नहीं आया। भाभी ने खुद सब हैंडल किया, और एक आप हो पहले ही दिन डायलॉग मारने लग गई। बस आ बस, मुझे गुस्सा मत दिला, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। हाँ हाँ तुम्हारा तो गुस्सा खराब है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत खराब है। अच्छा हाँ उमर।
गुस्सा मत कीजिए। अच्छा अब तेरी नौकरी लग गई है तो सास को चुप करा रही है? हाँ पहले बेटी ताना मार रही थी अब बहू भी ताना मारेगी। नहीं बा ऐसा नहीं है। तेरे एक दिन की नौकरी में घर में आग लग गई, कल से तेरी नौकरी बंद। अरे मम्मी हर चीज में इतना ओवर एक्टिंग क्यों करती हो, इतना ड्रामा क्यों खड़ा करती हो? प्रॉब्लम ना भाभी की नौकरी नहीं है, प्रॉब्लम आप हो। भाभी दो घंटे के लिए घर से बाहर जाती है और आप वो भी हैंडल नहीं कर सकते। थैंक गॉड मेरी सास ना आप जैसी नहीं है। अच्छा ठाकुर जी की कृपा से तुझे इतनी अच्छी सास मिली है तो तेरी बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखती? हाँ तेरी माँ के घर क्यों रखती है? क्योंकि आपने ही कहा था ना कि आया को पैसे देने की क्या जरूरत है, मीनू को तो यही छोड़ जाना, अनुपमा है ना ख्याल रखने के लिए। आज ने क्लास में बहुत नोटोरियस बच्चे थे। अरे वाह वाह मम्मी नोटोरियस एंड ऑल, बहुत नई नई चीजें सीखी जा रही है। हाँ और पता है मुझे एडवांस भी मिला। व्हाट मम्मी? हाँ तो एडवांस मेरी पहली कमाई समर। अरे हंसू करेच प्राउड वाली फीलिंग आ गई मम्मी कि मेरी मम्मी सब कुछ कर सकती। ऑटोग्राफ चल अबे नई टी शर्ट है मी 2 साल पुरानी है। देख जब तक टी शर्ट होली पे ना पहने या फिर उसका पोछा ना बन जाए तब तक माँ के लिए टी शर्ट नहीं रहती है। मम्मी अब रॉकस्टार और रॉकस्टार और रॉकस्टार ना ऐसी ऑटोग्राफ देते हैं। सो ऑटोग्राफ चल चल हवे जा समर में वो काम छे। ठीक है अब आपके लिए मुझसे ज्यादा टी शर्ट इम्पोर्टेंट है तो ओके थोड़ा रुक। दीप है मंदिर का कोई पूजा का तू फूल है याद रहते हैं तुझे सब खुद को जाती भूल है तेरी दुनिया यही अंगना यही बिंदी के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।